चढ़ाव का पता है न ढलान की खबर है, सब कह रहे मुसाफिर चलना संभल संभल कर, लंबा बहुत सफर है, छोटी बहुत उम्र है। अब क्यों डरूं डराऊं, पथ क्यों ना खुद बनाऊं, अब क्यों डरूं डराऊं, पथ क्यों ना खुद बनाऊं, मैं चढ़ गया हिमालय गिर गिर फिसल फिसल कर। जीना इसी का नाम है। आइए आज उस सितारे से मिलते हैं जिसने छोटी सी उम्र में लंबा सफर तय कर लिया। आइए आप इतने पॉपुलर हैं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आप ओपनिंग में कैसे आ गए? चलिए एक बात बताइए, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे और धीरे धीरे आप पॉपुलर हुए और आपको रिकग्निशन मिलने लग गया, लोग जमा हुए, ऑटोग्राफ्स वगैरह मांगने शुरू किया, तो ये आपको कैसा लगा और कब हुआ ये? 2000 में नैरोबी टूर था हमारा इंडिया का, तो मैं कैब में था उस टाइम, और जैसे भी प्लेयर्स को मैंने टीवी पे देखा तो बड़ा वो लगता था कि इंडिया के प्लेयर है, पता नहीं कैसे होंगे। सो फिर टीम में आया तो पहले तो थोड़ा लगता था कि कहाँ आ गए। उसके बाद नैरोबी में खेले और अच्छा किया मैंने फर्स्ट मैच में, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत वो रिकग्निशन मिलने लगी जो हमारे सीनियर्स को मिलती थी, थोड़ा चेंज लग रहा था लाइफ में, और यू नो ऑटोग्राफ साइन ऑटोग्राफ थोड़ा अनयूजुअल था इन द स्टार्टिंग, धीरे धीरे थोड़ा हंस पड़ गई। तो जब धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ी या मजा लगने लगा तो आपके लिए रियली गोल्डन मोमेंट होगा वो? बिल्कुल, ऑब्वियसली मजा तो है ही इस लाइफ में। तो कुछ आपकी गोल्डन मोमेंट्स देख ले। बंदा ये बिंदास से ये बताइए, बिंदास बंदे से पूछते हैं, इमोशनली आप किससे बहुत ज्यादा क्लोज हैं? इमोशनली मैं अपनी मॉम से हमेशा से। मॉम को बुलाएं? जरूर। आप बुलाएंगे? मैं बुलाऊं? आप ही बुलाइए। आप बुलाइए। मम्मी कैसे बुलाते हैं घर पे आप? मैं आई कॉल मामा। ये आपकी मामा है? ये तो छोटी बहन लग रही है। अच्छा ये बताइए कि अभी हम युवराज से उनकी गोल्डन मोमेंट्स की बात कर रहे थे, तो इनके करियर में आपके लिए कौन सा गोल्डन मोमेंट था? आपको कब लगा कि ये रियली गोल्डन मोमेंट फॉर मी? एक दफा नहीं, दो तीन दफा लगा मुझे। पहली दफा जब ये मैन ऑफ द सीरीज श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था जी, तो उसका मतलब मैन ऑफ द सीरीज का मतलब ये होता है कि अपने एज ग्रुप में बेस्ट इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट। जब ये क्रिकेट खेलने जाते हैं अक्सर आप साथ जाती हैं देखने मैचेस या? नहीं जी, अक्सर तो नहीं मैं जाती, एक ही दफा गई हूं इसके साथ। तो पहली बार कब गई थी आप?
मैं नेटवेस्ट सीरीज में नेटवेस्ट में जहां आपने से कहा था कि प्लीज मेरे लिए कुछ रन्स बनाना हां मैंने उसको बोला था पहली दफा जा रही हूं इस बारी मेरी इज्जत का ध्यान रख लेना उस टाइम ये मैन ऑफ द मैच था वेरी गुड तो आपकी इसने बात की इज्जत रख ली हां हां जी बिल्कुल जब ये खेलता है तो आप कुछ टेंस्ड हो जाती हैं या हां जी नेल बाइटिंग बहुत टेंशन होता है तो इतना टेंशन होता है कि मेरा छोटा बेटा बजाय टीवी देखने की मेरी शक्ल देखता है कि मम्मी की कैसी तो मैं किसी को साथ में बैठने नहीं देती क्योंकि मेरी इतनी टेंशन लगी होती है फोन आता है ना तो मैच चल रहा होता है तो उनसे पूछता है क्या कर रहे हैं तो ये कहती है कि मैच खेल रही हूँ बाद में फोन करना मुझे लगता है मैं खुद मैच खेल रही हूँ कोई फोन करता है तो मैं कहती हूँ मेरे को डिस्टर्ब मत करो मैं मैच खेल रही हूँ लेकिन एक्चुअली आप मैच तो खेल ही रहे हैं इस रूप में बिल्कुल ये अब इतना बिजी हो गया है इतना बिजी हो गया और जैसे घर पे आता है अपना वो ट्रांस लगा के बैठ जाता है और हिंदी और इंग्लिश मूवीज हिंदी हमारी पिक्चर है तो आपको समय दे पाता है कुछ बिल्कुल बहुत समय देता है ये कैसे म्यूजिक से फुर्सत नहीं ये तो शाम को रात को बैठ के देखता है ना दिन में तो ये सारा दिन मेरे साथ ही होता है ये अपने कुछ सीक्रेट बातें बताता है कि बिल्कुल छुपाता है या आपके साथ बहुत फ्री है फ्रेंड्स हैं बिल्कुल कुछ नहीं छुपाता सब पता है मेरे को दैट्स वेरी नाइस अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताया कि नहीं कल ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि 21 साल का हूँ मैं 3 साल में शादी कर लूंगा उस लड़की से पता नहीं कौन ये मम्मी को मालूम होगा फेवरेट डिश कौन सी है कड़ी चावल कड़ी चावल किन के हाथ का पसंद है इनको भूख लग रही है भाई ब्रेक के बाद ब्रेक देता हूं उसके लिए आप नानी का या मेरा हाथ का अच्छा तो देखिए नानी जी क्या कह रही हैं नानी जी आ गई हेलो यूवी हाउ आर यू हमको तो तेरी बहुत याद आ रही है तेरे को भी हमारी याद आ रही है कि नहीं बिल्कुल आती है जी हम तो यही चाह रहे हैं कि तू आने वाली गेम बड़ी अच्छी खेले अच्छी तरह खेले सेंचुरीज बनाए हमारा नाम रोशन करे नाम तो तूने रोशन कर ही रखा है मतलब और रोशन कर हमारा नाम खेल खाल के अपना सोचियां मार के जल्दी आ जा घर तेरी कड़ी चावल वेट कर रही है What a lucky man. आप ही बताइए ऑडियंस को आपको कड़ी चावल कैसी लगी बहुत स्वाद थी भाई भर गया पेट अच्छा आपसे सवाल पूछूंगा कि ये जब छोटा था तब भी इतना ही नॉटी था या धीरे धीरे बढ़ती गई इसकी नॉटीनेस छोटा था इतना नॉटी नहीं था अब तो बहुत नॉटी है छोटे होते बस प्रैंक्स बहुत खेलता था ये अभी भी अब तो ज्यादा करता तब का कोई प्रैंक आपको याद हो मतलब जो एक दफा ये छोटा सा था 9-10 साल का था हम दोनों ट्रेन पे जा रहे थे तो इसने कहा मैंने चिप्स लेने तो ये उतर गया गाड़ी से और गाड़ी से उतर गया और ये गाड़ी चल पड़ी तो मैं बहुत परेशान होगी मैंने कहा ये तो रह गया स्टेशन पे ये जान पूछ के मेरे सामने से चढ़ा और पीछे से चढ़ गया वापस तो वो मैं टीटी के पास दौड़ी कि ट्रेन रोको तो फिर ये दांत निकालते आया ये ऐसे छोटे होते मेरे को परेशान करता था ये ट्रेन से उतर जाता और आप चली जाती तो फिर हमें हिंदी फिल्म बनानी पड़ती थी 20 साल पहले जो ट्रेन में घूम गया था मेरी माँ ने भी छलांग मार दी थी ट्रेन से नेचुरली वो भी टाइगर की बाएं अच्छा बचपन की कुछ तस्वीरें देखें हम लोग जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब अब ये इसने बातें उल्टी ही कर दी खेल कूद के आगे बढ़ गया है? तो ये वैसे बचपन में ये पढ़ने से डरता था क्या या चिढ़ता था या
आपको तंग करता था, रोता था मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो रही है, आज मम्मी मेरे को बुखार आ गया। ये क्लास सिक्स तक तो बहुत अच्छा पढ़ा, उसके बाद तो ये फिर इसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, गेम्स में इतना इंटरेस्ट हो गया कि सब पढ़ाई पढ़ाई भूल के ये स्केटिंग वगैरह में लग गया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कभी इधर से पास तो हो जाता था, रो पिट के पास हो जाता था, पर जब इसने ग्रेजुएशन किया तब इसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ किया और खुद ही मतलब बड़ी अच्छी तरह एग्जाम से पहले खूब पढ़ लिख के इसने बड़े अच्छे मार्क्स किए, तो ये इसके अंदर से ही एक थी कि मैं पूरा पढ़ लिख जाऊँ। वेरी गुड। आपने कहा एक से छह साल तक पहले आराम से पढ़ा, सिक्स क्लास तक तो इनकी सिक्स से पहले की टीचर को बुलाएं, बुला लीजिए, आइए प्लीज। That's your favorite? My favorite, always. Favorite ma'am. Welcome to the show. Meeting you. आप एक बात बताइए। जी। ये आप इनको किस उम्र से पढ़ा रहे हैं? आती थी। इसको मैंने पढ़ाना शुरू किया when he was 3.5 years old. I have seen him since the nursery. I have literally taken him to the loo as they say. Fed him. And he's always been a great actor. I don't think in the audience or anybody knows about it. School mein humne musical kiya tha, Ali Baba aur 40 Chor ka. So isme he was the star performer. Aur lead chor jo tha, ye bana tha uske andar. Ye the stage ke upar aana tha, to it was side se wings bahar ki taraf the thode. So wahan se ye sare clippity hulla hulla dalte hue chor stage ke upar aate the, jab khul ja Simpson. So this boy पहले तो सबसे आगे naturally हर चीज़ में आगे था, तो आगे आते हुए जो इसको क्रच एक दिया गया था वो क्रच किसी तरह आई थिंक चलते चलते फिसल गया एंड जैसे आप लोगों की क्रिकेटिंग लैंग्वेज में ही वेंट फॉर अ सिक्सर और पीछे सारे के सारे जो चोर थे धड़ाम वहाँ पे एंड दिस वाज ऑन द आई थिंक ओपनिंग टैगोर थिएटर में वी डन इट। अच्छा यूवी, अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है या भाई एक्टर का बेटा, जैसा मेरा बेटा विवेक एक्टर बन गया, तो आप बचपन में आप क्रिकेटर बनना चाहते थे लाइक फादर या आपका कोई और पैशन था? या बचपन में इतना क्रिकेट का शौक नहीं था, सभी खेलता था, स्केटिंग, टेनिस और बस फुटबॉल, मतलब क्रिकेट भी कभी कभी खेलने चले जाना, पर स्केटिंग में बहुत शौक था। स्केटिंग का तो शौक हटा दिया गया हमारा तो। अच्छा एक एक स्केटिंग की बात करते हैं आपसे, एक यहाँ नज़र डालिए ज़रा, क्या है वहाँ? ये आर्ट सेक्टर है? नहीं नहीं क्या है? आर्ट सेक्टर है ये तो, पर हैंडबॉल का कोर्ट है। हेलो यूवी, बिल्लू की हाल है तेरे? हूँ तू स्केटिंग करने नहीं आंदा? जब तू लेफ्ट हैंड खेलता हुंदा सी छोटे होंदे तो डॉजिंग करते हुए, जब तू डॉजिंग करके सब तो बेस्ट प्लेयर खेलता सीगा, गोल्ड मेडलिस्ट सीगा नैशनल च, उदो तेरे सारे जब तू खेलन जांदा सी पिछों ला तेरी चॉकलेट और स्वीट सारे खा जांदे सी, तू जिद्दी सी उन्हां नाल लड़दा सी, तां हूँ भी क्या क्रिकेट च भी ऐदा ही करता है, तो जो प्रैक्टिस जाता है तेरे प्लेयर जो है पिछों चॉकलेट स्वीट्स खा जाते हैं। इन्ना दा जवाब तो तुसी दियो, क्या कह रहे थे आप ही जवाब दीजिए। कैसे चॉकलेट खाया था पीछे से, अब तो चॉकलेट बंद करा दी है हमारे ट्रेनर ने, तो अब तो चॉकलेट और स्वीट्स का सवाल ही नहीं। तो चॉकलेट्स की जगह काफी म्यूजिक है अब। म्यूजिक है बस। तो आपके टीममेट्स म्यूजिक चुरा लेते हैं आपकी अब? हाँ उठा के ले जाते हैं कभी कोई सीडी कभी कोई सीडी, तो उनकी भी मार लेता हूँ फिर मैं। अच्छा भाई आपके टीम में सीनियर्स भी हैं जूनियर्स भी हैं, लेकिन हम उम्र से कभी किसी खास से दोस्ती हो जाती है ज़्यादा, तो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? एक्चुअली अब जो हमारी टीम है अब इट्स लाइक अ फैमिली, कभी अच्छा खेल भी रहे हैं कि सब बड़े क्लोज है, बट हरभजन जहीर काफ़ी क्लोज उनसे मैं, आशीष नेहरा सहवाग, मतलब मेरे ग्रुप के हैं। तो आपके एक साथी का मैसेज देख ले। हेलो युवराज। हेलो बज्जू। बहुत चीजें आएंगे जनिया तेरे बारे में दस नहीं सकता, खैर पर फिर भी दसांगा कि युवराज सिंह, मैं तो युवराज सिंह शुरू तो इकट्ठे बचपन तो ही खेलते आ रहे हैं अंडर 15 अंडर 16 तो मैं बहुत देर तो जानता, बहुत अच्छा लड़का, दिल का बड़ा साफ हुआ, दादना कर दूँ और
ਔਰ ਬੜਾ ਫਲੈਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਂਸ ਡੂਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੀਲਡਰ ਜੌਂਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਕੋਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਤਾਰਾ अच्छी तूतू तारा क्या था ये एक्चुअली इसने जोक सुनाया था मुझे तो वो बैंक में कोई गया होता है तो अब जोक थोड़ा पंजाबी में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा अरे छोड़ देते अच्छा एक बात बताओ आप को फोटोग्राफी का भी शौक है फोटोग्राफी का इतना शौक है नहीं बस कैमरा लेके थोड़ा टीम में जब होते हैं तो बाहर टूर पे चले गए साथ में कैमरा मैं दिखाता हूं आपको आपकी एक तस्वीर खींची हुई मैंने खींची हां आपने खींची आपके साथी बचपन में आपके साथ चॉकलेट चोरी करते थे आप चोरी चोरी तस्वीरें खींचते हैं सोए होते तो खींच लेता हूँ क्योंकि सोए होते बहुत ऑड लगता है ना इसलिए युवा से पूछते हैं इन्हें गोल्ड मेडल कब मिला और कैसे मिला स्केटिंग की बात कर रहा हूँ गोल्ड मेडल 1991 तो इस साल हाँ तब तक आपको एक तस्वीर दिखाते हैं उसकी शायद आपको याद आ जाए आप कहाँ हैं यहाँ पर वो नीचे बैठा है ये बचपन से हैंडसम है कितने साल पुरानी है तस्वीर ये होगा नौ दस साल का उस टाइम नौ दस साल का दैट्स ग्रेट अच्छा एक बात बताइए आपने गोल्ड मेडल भी ले लिया स्केटिंग में इतना पैशन था फिर तो ये अवार्ड आपको गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे मिला था ना बिल्कुल और इतनी मतलब स्केटिंग में हाइट पे पहुँच कर उसके बाद सडनली आप क्रिकेट के करीब होते गए और स्केटिंग से दूर होते गए इज दिस बिकॉज योर फादर इज ऑल्सो अ क्रिकेटर दैट्स द ओनली रीजन एक दिन गोल्ड मेडल लेके गया डैड के पास और बोला कि गोल्ड मेडल जीत के आओ ऑब्वियसली कुछ अच्छा करके आओ बाप को खुशी होती है खुशी क्या होनी थी उठा के गोल्ड मेडल फेंक दिया मेरा स्केट्स फेंक दिया और बोला कि क्रिकेट खेल वाला टांगे तोड़ दूंगा ये क्या बात हुई भी उसके बाद थोड़ा फिर लग गया खेलने अच्छा हुआ स्केटिंग छोड़ दी अच्छा हुआ अच्छा ही हुआ ऐसे देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं डैडी आपके माय डियरेस्ट लविंग सन यूवी I think I have done my duty as a father. And I know you are going to perform the duty as a son. It's my dream to see you as a living cricket legend of this world. And for that, son, I have a piece of advice to you. Firstly, practice harder and harder. And keep on practicing till you achieve your goal. Believe in yourself. Believe in the God Almighty, who is a real father. Because belief is the biggest thing in life. Son, failures are for weak people, not for champions and legends like you. And for that, You got to focus yourself only on something which you're doing, only on a goal. I'm very proud of you, son. I'm really very, very proud. I wish every family in this world
has a son like you. There are going to be times when the road is going to be tough. You get tougher. And you remember what I said. Sher ka bacha ghas nahi khata hai. You know that. All the best. Good luck. Go and do it. Not for yourself. Not for anybody. For me. So that I can leave for the next life from this world peacefully, comfortably. Good luck. And I love you very much, kid. It's quite an emotional chat. जब भी अच्छा नहीं करता ना तो डैड से हमेशा मिलता था ऐसा पीस तो that was very important. अंदर से अपने आप को जगाना दोबारा. Your father is also in Punjabi film में भी काम करते हैं. काफी देर से कर रहे हैं Punjabi film में. तो आप भी कुछ फिल्मों में ज्वाइन करेंगे कि नहीं? मैंने की थी एक फिल्म मैं जब छोटा सा होता था. कुछ आइडिया नहीं था फिल्म करने का, ऐसी कर दी फिल्म जबरदस्ती. बहुत साल. कितने साल पुरानी बात है ये? होगा 8-9 साल का होगा. आप देखना चाहेंगे? वो तो बहुत पुराना इसमें. हाँ देखिए. हाँ रूप से कर्मा इधर आओ. कर्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੇਸ ਲਗਾਈ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ. ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼. ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਸ ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਮਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੀਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਬਹੁਤ ਬੈਡ. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਕਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ यूवी से हर फील्ड में कम्पीट कर सकता हूँ और करता था और करता रहूंगा. उसे बुलाऊं या रहने दें? बुलाओ बुलाओ, देखो कौन है. आइए. भाई भाई है लेकिन थोड़ा सा इनकी कहानी मुझे मालूम है ना, कंपटीशन वाली. जरा आप बताइए कंपटीशन इनका जो फाइटिंग स्पिरिट है. हाँ, इसका फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा है. इन द सेंस कि हम छोटे होते हैं, एक रिजॉर्ट था चंडीगढ़ के पास. हाँ. तो टिम्बर ट्रेल के नाम से, तो हम वहाँ जाते थे हर समझ में. वहाँ एक हमारा मेन अट्रैक्शन होता था, एक टेबल टेनिस टेबल होती थी वहाँ पे. तो सुबह से शाम तक हम वहाँ टेबल टेनिस खेलते थे और पूरा एक हफ्ता मैंने इसको वहाँ हराया. तो ये बड़ा गुस्सा हुआ उस टाइम, इसने टीटी बैट तोड़ दिया, बॉल मेरे सर पर भी मारी इसने. लेकिन फिर हम घर आए. अगले साल दोबारा जब मैं चंडीगढ़ गया, इसने मेरे को हाय भी नहीं बोला. इसने सीधा मेरा हाथ बोल रहा है. इसने सीधा मेरा हाथ पकड़ा और अपने वहां ले गया. इसने नई टेबल टेनिस टेबल खरीदी वहां पे. उसने कहा चल अब तेरे को बताता हूं मैं. मेरे हाथ में टेबल टेनिस पकड़ा एंड ही थ्रस्ट मी इन 10 गेम्स कंटीन्यूअसली. वही हाल टेनिस में भी हुआ. टेनिस में वी यूज्ड टू प्ले टेनिस एट चेम्सफोर्ड क्लब एंड द स्कोर लाइन वाज लाइक 6-0 6-0 6-0 इन माय फेवर. आपका 6-6 और उनका 0. नहीं नहीं, एक गेम जीता था. एक गेम ही जीता. एक गेम जीता था यार. 6-0 6-1 6-0. सब सारे आज के. चल ठीक है, तीसरा सेट नहीं हुआ था, दो ही सेट. 6-0 6-1. चल यार जो ठीक है. तो उसके बाद ये घर वापस गया, ये अंडर 14 चैंपियन बन गया चंडीगढ़ में टेनिस का. बाप रे, मतलब आज जो भी है ये आपकी वजह से? नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं है इसका. बस अंदर से ही इज वेरी, ही इज गॉट दैट फाइटिंग स्पिरिट एंड आई एडमायर हिम फॉर दैट. एंड ही इज जस्ट लाइक माइकल. एडमायर हिम फॉर दैट. मतलब ये जो बात है, जब भी ये हारता था तो मतलब फाइट बैक करता था. क्रिकेट में भी ऐसे ही, शुरू में आया था, ही वाज इन द टीम बट ही वाज ड्रॉप्ड फॉर सम रीजंस फॉर अ फ्यू मंथ्स, बट देन इट्स हिज विल पावर एंड हिज यू नो इंटेंशन टू विन दैट ही केम बैक इन द टीम एंड व्हाट अ कमबैक. वेरी गुड. आपको हराया जरूर है लेकिन आपकी तारीफ भी कर रहा है. अच्छा एक बात बताइए, आपकी कुछ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? मेरे पास नहीं.
कभी बनवाया नहीं। शुक्र है किसी ने नहीं दिया, वरना वो जिप्सी की कहानी बताइए। हमारे पास जिप्सी होती थी, इसी का रास्ता चलानी। तो इसने मेरे को बोला, घर पे मम्मी पापा कुछ नहीं थे, तो हम 13-14 साल के थे उस टाइम पे, तो इसने मेरे को खूब कोक्स किया कि जिप्सी चलाएंगे, हम जिप्सी चलाएंगे। हमने गाड़ी में चाबी लगाई और उसको रिवर्स किया। तूने? मैंने नहीं। हाँ, ये साथ में बैठा हुआ था। रिवर्स किया तो गाड़ी पूरी दूसरी नेबर की गाड़ी में स्मैश कर दी, पूरी हमारी जिप्सी पिचक गई, उसकी गाड़ी भी पिचक गई सारी। तो हम इतना घबरा गए, हमने जिप्सी वैसी की वैसी वहीं छोड़ के, चाबी भी उसी में छोड़ के, हम पेड़ के पीछे जाके छुप गए। 5 घंटे तक वी वर बिहाइंड द ट्री एंड लुकिंग कि क्या क्या हो रहा है। हमने देखा नेबर्स बाहर निकले, हमारे पेरेंट्स बाहर निकले, आपस में उनके वो हुई है, एंड दे वर ऑल सर्चिंग फॉर अस एंड वी हैड एलोप्ड। रात को हम लेट आए 9-10 बजे, फिर खूब पिटाई हुई हमारी। इसके आगे मत बोलना, इनके बहुत फैन सुन रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इनका आपने नाम तक नहीं बताया पब्लिक, अंकुर हैं। इसका नाम है रखा हैंडसम सेक्सी मैन। हैंडसम सेक्सी मैन, लेकिन अंकुर आपके कजिन है ना ये? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो छोटे छोटे आप लोग तब से दोस्त हैं? बिल्कुल। तस्वीर देखे? जरूर। अभी भी इतना ही खा रहा है वो नीचे में। अभी अंकुर से और यूवी से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे एग्जाम में पेपर आता है, आपके पास अलग पेपर है, इनके पास अलग पेपर है, तो तीन खड़े हैं, वो बूढ़ी औरत, पुराना दोस्त और आपकी ड्रीम गर्ल, और एक तूफानी रात, आपके पास गाड़ी सिर्फ एक है जिसमें सीट एक ही है, तो आप किसको लिफ्ट देंगे? पहले मैं बताऊं, तू बताए? तू बोल दे। आप बताइए पहले। मैं जो ड्रीम गर्ल है उसको तो साथ में बिठा दूंगा, बूढ़ी औरत को डिक्की में डाल दूंगा, और जो दोस्त को उसको छत पे बिठा के ले जाऊंगा। लेकिन एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है कि उसमें सिर्फ एक बंदा ही बैठ सकता है, आप बताइए। मैं ऐसा करूंगा, मैं दोस्त को ले जाऊंगा साथ में गाड़ी में, चाबी बुलाऊंगा दोस्त को और बोलूंगा ये बूढ़ी औरत को भी हॉस्पिटल ले जा। वेरी गुड। दोस्त को तो कभी भी हाउस का चुका लेंगे और वहीं खड़ा रहूंगा उसके साथ, लड़की के साथ, बस की बस में चला जाऊंगा उसके साथ। वेरी गुड। ये अपनी ड्रीम गर्ल के साथ रोमांटिक मौसम में बस स्टॉप पे खड़ा रहेगा, दोस्त बूढ़ी को ले जाएगा। वेरी गुड। लेकिन ये आपको कोच जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। आपके एक और कोच हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, आए हैं या इनकी तस्वीरें मालूम? वेलकम सर। आप तो पहले एक बात कर, इनके कोच के बारे में आप पब्लिक को जरा इंट्रोड्यूस तो कर दीजिए दर्शकों को। सुखविंदर बाबा माय कोच, माय फ्रेंड, लाइक माय ब्रदर। कोच, फ्रेंड एंड ब्रदर, ये बताइए अभी जब छोटा था तब से आप इसको कोच करते हैं, यू आर क्रिकेट कोच? हां जी, आई एम अ क्रिकेट कोच, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम अ क्रिकेट कोच। जब से 12-13 साल का इसने एक्चुअली क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब से ही मेरे पास ये खेल रहा है और तब से हमारे रिलेशनशिप है। तो मतलब जब 12-13 साल का था तब से, तब आपने हीरे को देखा, परखा, पहचाना, चमकाया, आपकी मेहनत का रिजल्ट देखिए। ये कहानी तो इट्स सच अ प्राउड थिंग फॉर यू, आप ही बताएंगे। ये एक्चुअली एक मैच सिचुएशन है, अंडर 19 क्रिकेट का टूर्नामेंट था, फाइनल था ये, पंजाब की टीम का कैप्टन था और मैं कोच, बिहार के अगेंस्ट हमारा मैच था फाइनल, 4-day गेम होती है। तो बिहार ने अनलाइक अदर स्टेट्स हमारे अगेंस्ट 357 स्कोर कर दिया। बिहार ने? हाँ, 357 दे स्कोर अगेंस्ट पंजाब जी। तो जैसे दूसरे दिन लंच के ऊपर गेम, वो ऑल आउट हुए, तो प्रेस आ गई, लोग आ गए, जी इतना स्कोर किया पंजाब के अगेंस्ट, क्या आप ये चीज़ कर पाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? तो लंच में मैंने टीम मीटिंग बुलाई, मैंने इसको बुलाया, मैंने बोला यूवी
ये तेरा मेरा शायद लास्ट टूर है, इसके बाद तू इंटरनेशनल क्रिकेट सीनियर्स में चला जाएगा, तो आई वांट दिस ट्रॉफी और इसको सिर्फ तू ही जिता सकता है। बोलता ठीक है सर आई विल ट्राई। तो प्रेस वालों को मैंने कह दिया अभी युवराज ने मुझे प्रॉमिस किया है दैट ही स्कोर 200। प्रेस ने? मैंने प्रेस में बोल दिया। तो इतना प्रेशर डाल दिया आपने इसको? नहीं मालूम था तब। अच्छा हाँ। अगले दिन सुबह जब ये उठा तो ये 125 के ऊपर खेल रहा था, मतलब उस दिन इसकी बैटिंग आ गई। सुबह इसने प्रेस में पढ़ा सर ये क्या। मैंने बोला भाई अब ये तो तुझे करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया है तो यू नो थोड़ा वो इमोशनली ब्लैकमेल करना ये मेरे लिए अब तुझे करना पड़ेगा। तो ही ओके सर आई लू। मैंने बोला ठीक है मैं सामने साइड स्क्रीन के पास खड़ा हूँ, तूने कोई रैश शॉट नहीं खेलना और तू मेरे को देखता रहे और खेलता रहे। सेड ओके सर। मैं धूप में जाके उधर मैं स्क्रीन के पास खड़ा हो गया। इसको 200 रन, इसने 100 के ऊपर बैट वेव नहीं किया, 200 के ऊपर बैट वेव नहीं किया। जब ये 225 के ऊपर था तो हमारा टीम का टोटल 257 हो गया। तो इसने मुझे कहा सर दिस इज फॉर यूवी, ट्रॉफी हो गई। तो ड्रिंक्स हुई, ड्रिंक्स में मैंने बोला यूवी देख दो इस हर इस टूर्नामेंट में किसी ने 100 कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब ये मेरा दिल कहता है भी तू जितना उसने बिहार ने स्कोर किया है उतना तू अकेला स्कोर करे तब मैं तेरे को सिंह है मेरा तू 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। तो बोलता जी ठीक है मैं सर आई ट्राई। तो ये 358 इसने किया, बिहार ने किया 357, 358 इसने किया, 358 किया। तो इसने ड्रिंक्स हुई तो मैंने बोला यूवी अब दोबारा मैं इसको मोटिवेट कर रहा था, मैंने बोला यूवी देख अब लारा ने किए थे रन तो तू भी कर सकता है। वो सर बोलता बस करो बच्चे की जान लोगे। आउट हो गया। कैच भी वहाँ भी लाइन है, मतलब टाइगर की तरह कैच भी पकड़ता है। ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ ये इसके जब 16 साल का था तो इसका रणजी ट्रॉफी में पंजाब की टीम में डेब्यू हो गया था। तो मैच खेल तो इसने स्कोर तो नहीं उसमें किया, तो एक जिस दिन ये मैच खेल के अगले दिन घर आया तो पेपर के अंदर आया भी एक इससे मिसफील्ड हो गया। तो पेपर ने उसको बड़ा हाईलाइट किया, अभी वो इंडिया गेट बन गया और युवराज की टांगों में से वो चला गया। मैंने फिर ये जब गेम खत्म हुई तो मेरे पास आया, मैंने बोला यूवी तू टीम में बैटिंग और बॉलिंग जो है वो यू नो बच्चा कोई भी ऐसा सीखता है तो धीरे धीरे सीखता है, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है अगर आप इंटरेस्ट से सीखो तो अगर आप इंजॉय करो तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड फील्डर लाइक हिम, एनीबॉडी कैन, है ना। तो इसमें ये बोलता ठीक है सर हम उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड उस दिन से हमने फील्डिंग के ऊपर मेहनत करनी शुरू कर दी और रिजल्ट आपके सामने हैं। सही बात। ये कहाँ पर होती थी आपकी सारी मेहनत? ये सेक्टर 16 में था इनिशियली, मैं वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी चंडीगढ़ में। उसके बाद सेक्टर 8 में मैं चला गया डीएवी स्कूल, हमारा कोई डीएवी स्कूल, डीएवी स्कूल में गया। डीएवी स्कूल या दैट झल के देखें भाई आपको याद है जब आप सेंटर से शॉट मारा करते थे हॉस्टल के इसके ऊपर और हम हॉस्टल हॉस्टल से बॉल ढूंढ के लाते थे। मुझे याद है आप हमारी मिस्टेक्स बताते थे और उनको स्टैंड सिखाते थे और आप इंडिया के सबसे अच्छे बैट्समैन। आपको याद है पीछे मेरे लैंप्स हैं वो आपने थोड़े से बीच में सेंटर में बैठे। ये वो घर है यूवी पाजी जो आपके यहाँ लकली स्वीट स्पॉट पर आ जाता है सोयले के एरिया। इस घर में आपने कई चीज़ें तोड़े हैं तो अब उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने गालियाँ लगवा ली हैं ग्लासेस के आगे। यूवी से बात करेंगे कि अंडर 19 टीम को आपने जिताया, पूरी वर्ल्ड में मशहूर हो गई बात और आप वैसे तो अभी भी अंडर 19 लगते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं हुई थी, मतलब टेंशन नहीं हुई थी वर्ल्ड कप जैसे जीतने के लिए फाइट किया था? मतलब कितने साल की उम्र थी आपकी? 16-17 उस उम्र में आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जीतना है, व्हाट वाज योर प्रेशर लाइक, मतलब फील कैसे होता था? वर्ल्ड कप फाइनल था श्रीलंका गए, श्रीलंका में खेल रहे थे तो इतना उन्हीं की उसमें तो इतना क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब क्राउड देखा तो पहली बार इतने बड़े क्राउड में खेल रहा था मैं तो काफ़ी टेंशन हो गई थी। पर फाइनल मैच था, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना था तो अच्छा 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 खेले उस दिन हम। तो आपकी विनिंग टीम की तस्वीर देखें जरूर। Where are you? I'm at the back. Okay. Let's go.
यूवी आपकी अंडर 19 टीम में तो काफी लड़के थे, उसमें से एक को बुला लेते. बुलाओ. बुला. आइए प्लीज. वेलकम. इधर आ जाओ. अच्छा, मैंने सुना कि ये यूवी बहुत शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल कभी इनको गुस्सा ही नहीं आता, मतलब इधर काम एंड क्वाइट हैं, सो क्रिकेट खेलते रहते हैं शांति से. इज इट राइट? नहीं नहीं, ये तो आपने बहुत गलत सुना इसके बारे में. ही इज वेरी शॉर्ट टेंपर्ड. एक बार हमारा मैच हो रहा था अंडर 16 फाइनल्स था नागपुर में. तो वी वर चेजिंग 250 समथिंग, तो हम ऑलमोस्ट जीत भी गए थे मैच. तो इसने ही गॉट आउट ऑन 50, गॉट बोल्ड राउंड हिज लेग्स, तो ये वापस आ रहा था. तो वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग के जीत गए अब तो मैच. तो जैसे ये ड्रेसिंग रूम में अंदर आया तो एवरीवन सेड वेल प्लेड यू वी, वेल प्लेड. ये अंदर गया, अपना बैट इसने ड्रेसिंग रूम में मारा, अपने पैड्स और हेलमेट सब नीचे मारा. और उसके बाद देयर वाज वन थिंग दैट स्ट्रक मी दैट टाइम, ही सेड यूवी क्या तू ऐसे इंडिया खेलेगा? आई मीन एट दैट टाइम ही सेड अंडर 16 में द डिजायर दैट ही हैड दैट टाइम टू प्ले फॉर इंडिया, दैट वाज 50 रन से ये सैटिस्फाइड नहीं था. जोश पे जैसे आपने वहां अपना बैट पटका, हेलमेट पटकी, पैड्स पटके, तो मतलब फील्ड पे भी कभी अपनी हड्डी वड्डी तोड़ कर लेते हैं, तो उसका हड्डी जोड़ने वाला क्या कह रहा है सुनिएगा. हड्डी जोड़ने वाला? हां जी. G'day, Yuvi. Yeah, stop laughing. They caught me as well. I've got to say something really nice about you. Well, I've known you for about 3 years now since you've made your debut. There are a lot of stories I could have brought out tonight, but I think the most memorable one is the time in Kenya 2000, the Mini World Cup. It was your debut. You'd called me out to the middle of the field while you were batting. You grazed your elbow. All around us were the Aussies sledging you, telling you this is the big leagues now, you're not playing school cricket. You turn around, sledge them straight back and really showed them what you were made of. You've come a long way since then and I hope to see you do more of that in the World Cup coming up next year. All the best, mate. क्या कह रहे थे आपके फिजियोथेरेपिस्ट? वो ऑस्ट्रेलिया के इंसिडेंट के बारे में बता रहा. क्या? खेल रहा था, गिर गया मैं, तो मेरे चोट लग गई. तो मैंने इसको बुलाया कि मेरे पट्टी कर दे. तो जब वो आया करने तो ऑस्ट्रेलियन काफी फ्रस्ट्रेटेड थे, तो दे सेड दे वर ऑल अब्यूजिंग मी. खेलो, आई मीन डोंट एक्ट लाइक अ स्कूल किड की चोट लग गई और पट्टी लगा रहा. तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि तू जा, कोई नहीं, मैं ऐसे ही खेलता हूं. और कितने रन बनाए? 84. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. से मजाक कर रहे थे कि हमें इनके रन्स बनाने का राज पता चल गया, लेकिन राज क्या है यहाँ देखते हैं. हेलो युवराज, तेरे शो में तो नहीं आ सका, पर तेरे साथ जो दिन गुजारे हैं वो उसमें से एक दिन याद दिलाता हूँ तुझे कि श्रीलंका में जो तूने 98 रन बनाए थे और मैच जिताया था भारत को, उसमें उस मैच से पहले मैंने तुझे एक लाल रुमाल दिया था. कम से कम वो लाल रुमाल तो वापस कर दे. ये राज है आपके रन्स बनाने का, लाल रुमाल वापस दे रहे हैं कि नहीं? वापस देना भूल गया उसको, क्योंकि मैं कहा दोबारा यूज करूंगा तो दोबारा रन बनाऊंगा. मैं कहा तू और लाल रंग ले आई हो, अब देखो कैसे लाल रंग चल रहा है उसका. अच्छा, एक आपकी छोटी सी कजन है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है. यू वी भैया, यू कम हियर वेरी सून सो दैट कैन आई कैन मीट यू. यू always bring, when you bring gifts, you always bring gems, bring something else. Yuvi bhaiya, my birthday is on 15 November. Please come on my birthday. And be good at your match. Please, you be good at your match. And you be really be good. Sure, sure.
एक छोटी सी बच्ची जो आपकी कजन के बाद एक बड़ी कजन की तस्वीर देखे। शहनाज, शहनाज आइए। तो शहनाज आपकी बचपन की दोस्त भी है, बहन भी है, और क्या कुछ राज भी आप जानती हैं इनकी काफी? मैं इसको बोला था कि मेरी बहन होती मैं से शादी करा देता। बहन ना होती इससे मेरे पापा को भी बोला था कि पापा ने एक दिन इससे पूछा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या नहीं, तो इसने बोला कि गर्लफ्रेंड थी तो सही पर आपकी वजह से बहन बन गई। पर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपको इसने। है कहता तू मेरी बहन नहीं होती ना तो बस वहाँ चुप हो जाता है, ये बोलते हैं अगर तू मेरी बहन ना होती ना बस दैट स्टेटमेंट एंड डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स। बट अभी भी मैं इसी गर्लफ्रेंड पहले हूँ बहन बाद में। लेकिन आप बचपन से जानती हैं इसकी तरह बदमाशियां जो जो करता था बचपन की कोई किससे इसे डरना मत, हम लोग सब खड़े हैं, आप बताइए। बदमाश आ गया पीछे, इसे एक और बदमाश आ गया सर से। हां कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं इसकी लड़कियों के बारे में बताना चाह रहा हूं। आ गया जा आ गया। हां बता दे मारना मत इसको, मैं कह गुस्सा चैलेंज करता है। नहीं इसकी गर्लफ्रेंड्स का और मेरा टेस्ट काफी एक ही टाइप का था, तगड़ी लड़की अच्छी लगती थी हमें। तो एक बार दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई और वो इसकी फ्रेंड थी गलती से। तो ही अप्रोच्ड हर, खुद से आई अप्रोच्ड हर, इसने इसको काट दिया कि उसको जाके दे देना, और मैंने भी इसको काट दिया कि जाके उस लड़की को दे देना, प्रपोज कर देना मेरी तरफ से। आई डेंट नो कि इसने दिया, ही डेंट नो कि मैंने दिया। इसने जाके दोनों कार्ड उस लड़की को दे दिए। उसने एक दो दिन सोचा अंकुर यूवी किसको। दो दिन बाद उसका तीसरा बॉयफ्रेंड बन गया कोई। और उस इंसिडेंट से मुझे बड़ा फायदा हुआ था। ये एक दिन उसके लिए कोई किसी टूर पे गया था, वहां से उसके लिए टी शर्ट लेके आया। जब ये दिल्ली आया तो इसको पता लगा कि वो तो किसी और की हो गई, तो वो टी शर्ट मुझे दे दी गई। इससे बहुत फायदा हो गया। तो दोबारा आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा एक बात सुनिए, ये कुछ डांस बहुत अच्छा करते हैं सुना, और डांस करते 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 कोई लड़की बेहोश हो गई थी, वो किस्सा क्या है? शुरू शुरू में हम बता देते यार। ये मुझे मालूम है। बेहोश हो गई? हाँ इतना नचाया उसकी वो गिर गई डिस्को में। और नहीं नहीं डिस्को में बेहोश क्यों हो गई थी? बता दे दो। नहीं मैं बताऊँ बेहोश क्यों हो गई थी। मेरे पीछे डांस कर रही थी और मेरे साथ टक्कर हुई, तो अनफॉर्चुनेटली ये साथ में था, तो वो बेहोश इसलिए हो गई क्योंकि इसने डिओड्रेंट नहीं लगाया था। इसको यहाँ खड़ा करता हूँ, आज तो डिओड्रेंट लगाया कि नहीं। देखिए अभी ये डिस्को जैसा या माहौल भी है, लाइटें भी हैं, म्यूजिक भी है, आपको जरा डांस करके तो जरूर बताना पड़ेगा। आपने अपने क्रिकेटर का डांस, अरे क्रिकेटर डांस नहीं कर सकते क्या? और प्रभु देवा जैसा लगने का भी शौक है इसको, तो ये भी डांस करके दिखाएगा। म्यूजिक प्लीज। क्रिकेट की टीम की तरह शैंपेन तो नहीं खोल सकते, लेकिन आपको केक जरूर खिलाएंगे। केक लाइए प्लीज।
में पूरा पूरा दिन दौड़ना, दिलो जान से कैच पकड़ना, रन्स बनाना, रन्स रोकना, ये सिर्फ स्टार्डम ही नहीं, अपने काम से प्यार है, यानी देश से प्यार है, यानी देशभक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आज की पीढ़ी युवराज से कुछ ना कुछ जरूर सीखेगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और पर्सनैलिटी को लेकर, जीना इसी का नाम है।